राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। और जी, अब जा रहा हूँ इनको स्कूल छोड़ने, क्योंकि आज सोनम जी ने तो मार दिया बंक, वो जा नहीं रहे जिम। मैं ऐसे सीधा जिम जाऊंगा। और कार्तिक महाराज पीछे से मेरी नकल कर रहा है, इसको मैं पटक पटक के मारूंगा। वो बैठा हुआ है, कह रहे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है जी। हम इनको स्कूल छोड़ते हैं, आज टाइम से जा रहे हैं, सारे बच्चे खुश हैं इसलिए। और सीधा जाऊंगा जिम। मैम नहीं जा रही तुम्हारी, मैडम नहीं जा रही तुम्हारी, मैडम नहीं जा रही तुम्हारी, जैसे नाटक में आता ना, डिटिश डिटिश डिटिश, अकेला ही जिम जाऊंगा, ठीक है जी। चलो इनको छोड़ के आते हैं। मम्मी की तबीयत खराब है का? क्या हुआ? मम्मी की तबीयत खराब है का? मम्मी की तबीयत खराब है? हाँ। तो मम्मी का चाचा लग गए? हाँ। चल ठीक है, चलो। दादू भी ऐसे जाते हैं? दादू भी ऐसे खड़े होते हैं? सादगी क्या कह रही है? दादू की जैसे हरकतें हैं तेरी, दादू भी ऐसे खड़े होते हैं। चला बैठ के चले, मतलब तुमने नहीं जाना। तुम तो यार मुझे झाड़ू वाली लग रही हो, चुड़ैल, पर झाड़ू गिर जाएगा तुम बैठोगे उस पे। लगने की क्या जरूरत है? तू तो मुझे वो लग रही है डैश। देखो मैं बता दूंगा, रिवील कर दूंगा तेरा नाम क्या है घर में। चुपचाप बैठ जा। बाय दादी महाराज, बाय। भाई साहब और बहन जियों को तो छोड़ दिया जी स्कूल, अब जा रहा हूँ सीधा जिम। ठंडी ठंडी हवा चल रही है वैसे, आज आने वाले टाइम में सर्दी बढ़ जाएगी। सर अपने नेल पेंट उतारने पे है मैडम। पब्लिक कहेगी कल तो इसकी तबीयत खराब थी, अभी ठीक है। सही लग रहा है तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है ना, तबीयत खराब ही है। जो होगा मेरे हाथ पे लगाया हुआ था, दो तीन जनों ने टोका, मैंने कहा उतारो इस पे। फेदियां सफूदियां कुछ नहीं होनी, उन सीधा दूसरे मकान की होनी है, जो होनी है सफेदी तो मैं करा के दूंगा नहीं तुम्हें इस मकान में। इस मकान में तुम्हें पैसे लगाओगे नहीं, तभी तो वो रसोई के डब्बे टूटे हुए वो तक नहीं ठीक करवाए। अब कुछ भी नहीं कराऊंगा, खामा खा पैसे। अच्छा हम यहाँ दो साल बिताए जाए? दो साल किसने बोला तुमने बताने के लिए? पता है क्या टाइम कितना? तुम्हें कुछ नहीं पता, कैसे चमत्कार होगा? चमत्कार होगा? चमत्कार नहीं होगा, वो बस अपने आप को टाइट करके वो मकान शुरू करो, उसका फायदा क्या। चलो ठीक है यार, मेरे हाथों पे नेल पेंट लगाया था इन्होंने यहाँ पे, अभी भी येलो येलो लगा हुआ है। देखो तुमने ये साफ करा है, और अपने देखो कैसे साफ करी है, आराम ना बैठी हुई है, बढ़िया बढ़िया अंदर अंदर करके साफ हो रहे ने। अभी कर देती हूँ, टिश्यू गंदा हो गया, दूसरा निकाल के कर दूंगी तुम्हारा। चलो यार अब नहाने जाता हूँ, क्योंकि आजकल जैसे ही जिम से आता हूँ पहले 5-10 मिनट बैठना है मेरे को, अगर जाते ही नहाऊंगा ना तबीयत हो जाती खराब, क्योंकि अब थोड़ी ठंडक लग रही है बाहर। अभी जनवरी जनवरी में ठंड रहेगी ज्यादा, दिसंबर आखिरी में पड़ी ही नहीं ठंड, पड़ी कहां की करिए ने। हॉट हॉट लोग रहते ना साडे सामने, आए आए खुश, ओए शहरा देख खुश होए साडे सामने रहते ने ना, खुश हो गई। बाकी नु भी इसका कितना ठंड लग रही है। चल जावा ना नहीं रहन दो, हॉट बंदे नाल बैठे हो, ठंड नाण दी की लोड है। जदे बापू छोटे होते थे स्कूल जा रहे, मम्मी कहती ना के पेना, अरे शेर नहीं नांदे, डैडी कहता नहीं शेर नहीं नांदे। दादी तेरे पे गलिया डालिए तुमने आगे अपने बच्चों को भी। मैं तो नहाता हूँ ना, बच्चे हैं यार छोटे हैं, सुन ठंडा स्कूल से आके तो नहा लेते हैं ना, स्कूल से आके तो नहा लेते हैं, सुबह सुबह ठंड है यार, समझा करो, बच्चे हैं, बालक हैं, छोटे हैं। चलो दुनिया के बच्चे नहीं नहाते, तुमने उनको सिर चढ़ा रखा है। दुनिया के बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे हैं, लोगों के बच्चे नहा के जाते हैं इन्होंने। दुनिया के बच्चे यार, सारे बच्चे एक जैसे यार, देखो हर माँ बाप के लिए उसके बच्चे सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, ऐसे तुम्हारे तुम्हारे लिए प्रिय होंगे, इसलिए भाई मेरे लिए बहुत प्रिय है, आराम से नहाए, कोई टेंशन नहीं है। नहीं नहाए नहीं, स्कूल से आके नहा ले भाई, स्कूल से आके नहा ले, सुबह सुबह ठंड होती है यार। और गीजर भी थोड़ा माशाल्लाह है, आधे घंटे बोलो हूं ले आते नवा। हां ले दो, दो तीन दिन, दो तीन दिन पैसे चोरी करे होंगे ना, कितने पैसे इकट्ठे हुए बताओ। ये जो चाटे तो लगा के ना, वो पैसे ही लगा के आई है, तुसी मैनू कोई पैसे नहीं दिते, गल्ला मार रहे हो। चल नाले जा रहा हूं यार, इतनी मेहनत करी थी मैं दिवाली से पहले से चोरी करते 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 करते, अब जाके मेरे एक बारी में खत्म हो गया। कल मैं स्कॉन टेम्पल गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, सो तुम भी चलते ना, पर चल कोई नहीं नेक्स्ट टाइम। भाई नाश्ता वास्ता कर लिया, हो गया तैयार, अब जा रहा हूँ। और आज फरमान आया मैडम के बच्चों को ले आना, तीनों को, मैडम की तबीयत ठीक नहीं है। कार्तिक को जब लेने जाऊंगा तभी दोनों को ले आऊंगा साथ में,
अभी जाते हैं, पहले फैक्ट्री का काम निपटाते हैं। फैक्ट्री का काम तो निपटा दिया है, पर फ्री हो गए हम जल्दी, क्योंकि आज फ्राइडे भी है ना, और लड़के होते हैं हाफ डे पे, शुक्रवार है, मुस्लिम लड़के हैं वो, नमाज़ पढ़ने वगैरह जाएंगे। अब बच्चों को लेके आना स्कूल से, पर अभी टाइम पड़ा है, एक घंटा आप करूँ तो क्या करूँ, जाके घर जाके धूप सेकता हूँ थोड़ा। बच्चों को जा रहा स्कूल से लेने, टाइम तो कार्तिक महाराज का, पर लाना सबको पड़ेगा क्योंकि सोनम की तबीयत ठीक नहीं है, वो बाद में ला नहीं पाएंगे। देखता हूँ, अभी रिक्वेस्ट करता हूँ भैया दे दो सारे बच्चे मेरे, चुपचाप ला के इनको घर छोड़ता हूँ। सोनम को देख देख के ना मेरी भी तबीयत ऐसे ही हो रही है, ढीली सी। ये दो लंगूर तो आ गए हमारे, दो लंगूर तो आ गए, छोटा लंगूर कहाँ है? कैसे क्या पेपर, सच्ची सच्ची बता दो। कितने में से? 20 में से। तेरे? चलो मुर्गे बनाओ दोनों यहाँ पे। कार्तिक को लेने गए हैं वो। उसकी तरफ मत देखो, उसकी तरफ मत देखो, देख रहा है वो, देख बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। ओ प्रा, ओ प्रा की हाल है प्रा? हो गया यार, शूज खुल गया तेरा? चल तो पहना दे बेटा शूज, पहना इसके साथ ही। सोनम को देख देख के ना मेरी भी तबीयत खराब हो गई है, सुन। आंखें चुभ रही, वो आंखें कह रहा हूँ, लाइट भी चुभ रही है मेरे को आंखों में। सो जाओ ना, थोड़ा थोड़ा लेट चले जाता हूँ दुकान पे ना। पापा को फोन मारो, तुम करो, कह दो क्या तबीयत ठीक नहीं, अभी थोड़ी लेट में आ जाएंगे। तबीयत हो गई डेली, अब करूँगा थोड़ा आराम। और आज मैंने कार्तिक को इतना पटक पटक के मारा, इतना पटक पटक के मारा, मारा? मैं भी मारू तो मेरे को ऐसे मारेगा? हाँ। तो ठीक है, थोड़ा आराम करता हूँ, फिर आप जिम नहीं जा पाओगे। जिम तो मैं चुभ ही आया, देख मेरे डोले, देख मेरे डोले। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये कौन है? पेंगुइन है ये, पेंगुइन। ये देखो भाई साहब, इसने अपना टॉय मंगाया एक, छोड़ दो कान मरोड़ दिए। तो ठीक है, थोड़ा आराम करता हूँ, फिर देखता हूँ थोड़ी देर में, शाम को जाऊँगा शॉप पे, थोड़ा सो जाता हूँ। सुबह बहुत ठंडा पानी था टैंकी का यार, इतना ठंडा पानी था, उसकी वजह से हो गया। थोड़ा आराम करता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे। पापा और मम्मी दोनों की तबीयत खराब है और वो सो रहे हैं। पापा तो ये रहे, सो रहे हैं, और मैं मैक्रोनी बना रही थी, बन रही है मैक्रोनी। मम्मी अभी थोड़ी सब्जी वब्जी गर्म कर रही है, उनकी भी तबीयत खराब है, पता नहीं क्या ही हो गया दोनों को। देखो अभी तो पापा सो रहे हैं, उठाएंगे उन्हें, रोटी वोटी खाएंगे फिर। One hour later. सादगी तू सोने नहीं देगा मेरे को? नहीं दूंगा। सादगी ने मेरे लिए कॉफी बनाई है बीट वाली, मैं भी पीऊंगा। यार मैं तो ऐसी दवाई खा के नशा करके सो गया, मैं तो होश ही नहीं रहा, अब थोड़ा आराम लग रहा है। पापा को फोन कर रहा हूँ जाने के लिए, वो कह रहे रहने दे मत। थैंक यू पापा, आई लव यू, बोले लव यू दादू, लव यू दादू। देखा ऐसे कराटे मारते, कराटे मारे थे मैंने ऐसे मारते, कराटे कराटे तो तू भी मारता जब मेरे साथ सो रहा था रात को। मी 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 ऐसे कराटे मार रहा था मैं? हाँ। अब झूठ बोलता है, ऐसे मार रहा था मैं। रोटी खाई थी तूने? क्या खाया था? आज तो ट्यूशन की छुट्टी कर ली, आज बापू घर पे है तो ट्यूशन की छुट्टी कर ली। पापा कल भी छुट्टी हुई? नहीं बेटा, ऑफिस कह रहा हूँ जाना बेटा ट्यूशन, कल आपको देखा। तो ठीक है, तबीयत तो ठीक लग रही है, पहले से दवाई खा के ही सोया था, सॉरी। और ये मेरे को बार बार आके देख रहा था दरवाजा खोल खोल के, जब तक मैं उठा हुआ था, फिर सो गया, उसके बाद पता नहीं आया नहीं आया। ठीक है, अभी कॉफ़ी पीता हूँ, कॉफ़ी बनवाई है सादगी से। लाइट इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि आंखों में लग रही है, आंखों में लग रही है, ये भी फ्लैश भी लग रही है वैसे, सही बताऊँ। बम बम बोले। चलो ठीक है, पहले कॉफ़ी पीता हूँ, फिर देखते हैं क्या कर पाते हैं, फिर फिर कुछ चटपटा सा लेके आते हैं बच्चों के लिए खाने के लिए और अपने लिए खाने के लिए। यार मुंह बकबका सा हो गया, गोलगप्पे पाड़ते हैं अभी थोड़ी देर बाद।
ठीक है सोनम, ठीक है वैसे पहले से देखता हूँ कुछ खाने का बच्चों का मन होगा तो मंगा दूंगा। जय सिया राम, जय चाराम, जय बोलेगी, जय बोलेगी और हर महादेव। मुझे अच्छी तरह याद है हम केदारनाथ गए थे ना। कार्तिक एक बार बंद करियो, बंद करियो, आवाज़ बंद कर। हम अभी पिछले साल केदारनाथ गए थे ना, तो पिछले साल शायद तब व्लॉगिंग नहीं करता था। मुझे अच्छी तरह याद है कार्तिक मेरे कंधे पे और मैं बहुत जोर जोर से कह रहा था हर हर महादेव हर हर महादेव। कार्तिक भी बहुत तेज तेज बोल रहा था, है ना कार्तिक? कैसे बोल रहा था हर हर महादेव? एक बार बोल कर दिखा दे कैसे बोल रहा था। बहुत तेज तेज हर हर महादेव बोल रहा था, अच्छा लग रहा था तब तो और छोटा था। चलो ठीक है अभी कॉफ़ी पीता हूँ, बिस्किट खा लेंगे, पराठा खा लेंगे। बीट कॉफ़ी बनाई है सादगी ने, मैंने सारा काम किया। हाँ सादगी ने ही काम करा, फिर मैं तेरा पिछला मैं शूट करा था अभी मैक्रोनी बनाते हुए। बाकी दिवाली के बिस्किट अभी तक चल रहे हैं, भला मानस का 2-3 पैकेट आए थे ना बिस्किट के इस बारी अभी तक चल रहे हैं। भाई कॉफ़ी मस्त बनाई है सादगी। सॉक्स पहन और रिद्धि को भी बोल सॉक्स पहनेंगे। मज़ा आ रहा इसका, इसलिए कुछ खाना है जी। हम तो निकल गए बाहर, छुटपुट राशन का सामान लाना है और कुछ हड़ हड़ भी करके आ जाएंगे बाहर। ठीक है कार्तिक, उड़ियो भागो भागो कार्तिक आगे। भाई कार्तिक गया था, उठ जा रहे हैं थोड़ा बहुत छोटे छोटे राशन का सामान लाना है वो ले आते हैं। और मैं चल थोड़ा लेटे लेटे भी बोर हो रहा था, कुछ काम भी निपट जाएगा घर का, बाकी चलते हैं अभी। चलो जी हम जा रहे हैं, शाम के बज गए हैं 6। न्यूज़ चैनल है, कोई न्यूज़ चैनल है? हेलो जी शाम के बज गए 6, ज्यादा कोई न्यूज़ चैनल नहीं होता। पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा शरीर ऐसा हो रहा है कि एक दिन तबीयत ठीक ना हो ना ऐसा हो जाता है, बस क्या ही हो गया। टूट से गए कमर वमर इतनी दर्द, चेहरा लटका है। इन्हों कहते ने बुढ़ापा आ गया। चंगा मोमोज खाते हैं यार, सो गरम गरम खा लेते हैं मोमोज आज। चलो आ गया, ठीक है पहले सामान ले लें फिर खाते हैं। थोड़ा बहुत ही राशन का सामान लेना था बस, खत्म था कुछ छुटपुट छुटपुट। 2-3 दिन से कह रहे थे लाना है, खुद तो ये जा नहीं सकते अकेले, ठीक है तो मैं चल बैठा ही था घर पे, मैं चल ले आता हूँ थोड़ा शरीर भी खुल जाएगा। अब देखते हैं कुछ चटर पटर ले जाते हैं खाने के लिए, घर जाके खाएंगे फिर। सूप पड़ा है सोन, पैकेट वाले एक एक सूप मारते हैं। ठंड लग रही है थोड़ी सी, ज़्यादा तबीयत ऐसी है तो लग रहा है, तो वैसे थोड़ी ठंड है। अंदर गर्मी लगने लगी थी स्टोर में, भीड़ भड़का था इसलिए शूट करना नहीं किया, शूट करता वहाँ भी। असी यह चावल खाते हैं, असी यह मिर्चा खाते हैं, ये थोड़ी ना शूट करता मैं। बाकी ठीक है, ब्लॉग यहाँ तक अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दो यार, कमेंट कर दिया करो यार, कुछ भी कमेंट में लिख दिया करो यार, जय श्री राम ही लिख दिया करो। बाकी चलते हैं अब देखने मोमोज लेते हैं यार, आज मोमोज खाते हैं। सूप का पैकेट ले जाऊँगा, वो आता नहीं 10 रुपीज़ वाला, वो सूप पीऊँगा। वेजिटेबल जूस बच्चों के लिए पीना, तुमने पी लो नहीं अभी, गोलगप्पे खाया ना गोलगप्पे खाए इसलिए नहीं खा पा रहे, चेक करवा लेते हैं पैक तो जाते हैं। राम राम, ओए लंगा टूट गया।
और नंगे पुंगे पागल को और नंगे पुंगे और नंगे पुंगे और नंगा पुंगा था कार्तिक नंगा पुंगा मैंने रिकॉर्ड कर लिया तू नंगा पुंगा था चल पीले पीले फटाफट पीले तो शादी पे चलेंगे तेरे को लेके साथ गिरी थी तैयार हो रही है ना तैयार हो रही है जल्दी कर ले बेटा मैंने भी तैयार करना इसलिए गुड़गुड़ हो रहा है पेट गुड़गुड़ हो रहा है चल बस थोड़ा सा रह गया फिनिश कर फटाफट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाह पढ़ा है अभी थोड़ा सा पढ़ा है ओए कार्तिक के वो देखो मुंह वो दिखाइयो आ करियो कार्तिक दिखाइयो जिब दिखाइयो अरे वो मेरे को गिनती में इतना सारा लग रहा है तेरे को जब पिएगा ना तो 10 में ही खत्म हो जाएगा 10 में ही चल फटाफट फटाफट कर फटाफट कोट पैंट कट मेरा कोट पैंट कट चलो आखिरी 1 2 3 पिएगा तभी तो 1 2 3 होएगा ये तो अच्छा पी नहीं रहा चल चल देखो थोड़ा लुक के पी हां लुक के पी ले अभी इतना चला हां बस इतना चला है बस 1 2 3 चल एक में और खत्म हो जाएगा एक में बड़ा मजा आया तेरे को नहीं हम शादी में जा ही नहीं रहे तेरे को उल्लू बना दिया हमने तो मजा आ गया अबे शादी पे नहीं जा रहे हो ओ ओ ओ ओए क्ले नहीं झूठ बोल रहा चलो अबे पाव भाजी खिला के लाता हूँ चला पाव भाजी खिला के लाता हूँ चल बाहर चलेगा मेरे साथ घूमने चुनाव पैंटी पहना दो फटाफट कंबल चढ़ गया अबे लोगों ने तो तेरे को देख लिया नंगा पूंगा अब सारे कमेंट करेंगे कार्तिक शेम से फोटो ना डिलीट कर दो फोटो डिलीट कर दो ये वाली ओ कार्तिक तेरी मूंछें बनी हुई है यार दिखाइए मूंछें नहीं तेरी मूंछें दे तो बन गया दादू की शादी हो रही है नहीं। फिर क्यों डांस कर रहा है बैठो क्या खाएगा मेरे पता पावा जी खाएगा तो ठीक है जी खाना पीना खा के आ गए हैं बट चांप एकदम बेड़ा गर्क कर दिया जयवीर ने नहीं सादगी हाँ। टेस्ट ऐसे बेकार कर दिया ना उसने अच्छा नहीं था यार कार्तिक महाराज अपने लिए पाव भाजी ले गया क्योंकि वो साइको है वो भी मेरे घर में मुझे छोड़ के सब साइको है अच्छा ठीक है बाकी इस ब्लॉग का एंड करता हूँ तबीयत थोड़ी ठीक है सुबह से वीक क्या यार वैसे ही मुझे लग रहा है मैंने ना सुबह एक परफ्यूम ट्राई करा था परफ्यूम ट्राई करा ना वो मुझे उसकी फ्रेगनेंस चढ़ गई सिर पे मेरे साथ होता है ऐसे ज़्यादा खुशबू और ये सब से भी मेरे से हो गया जो लगाया था ना मैंने सुबह परफ्यूम उसके बाद मुझे छीके स्टार्ट हो गई छीके आने के बाद मुझे पता मेरा परफ्यूम अच्छा ना पूरे कमरे में खुशबू खुशबू दी उस परफ्यूम की अथू अब आपकी तो आपको एनर्जी है सब फीकर से तो क्या तो इसलिए मैंने वो फेंक दूंगा मुझे चाहिए नहीं मेरी तबीयत खराब होगी फेंक दूंगी ये यूज़ कर लेंगे बाकी ब्लॉग का ये एंड करता हूँ अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना नए हो तो सब्सक्राइब करना पुराने हो तो कमेंट करना कर दो यार छोटा मोटा कमेंट कर दिया करो कुछ भी कर दे मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ और कार्तिक ने मेरे को मारा था यार यहाँ पे मेरे को याद आ गया अब मैं इसको पटक पटक के मारूंगा तो ठीक है जी जयराम जी की आपको पटक दूंगा।